दोस्तों, क्या आप जानते हैं ऐसा क्या हुआ कि राधा रानी कहलाई व्रज की सबसे पवित्र कन्या, और कैसे हर घर में लोग श्रीमती राधा रानी की पवित्रता की महिमा का गुणगान गाने लगे। श्रीमती राधा रानी की यह महिमा जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। राधे राधे दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्लोरीज ऑफ राधा रानी में। जब श्रीमती राधा रानी का अयन से विवाह हो गया था, उसके बाद की यह बात है। जटिला और कुटिला, जो कि श्रीमती राधा रानी की सास और ननद हैं, वो खुद को व्रज में एकमात्र पवित्र महिला मानती थी और वे राधिका को थोड़ा भी पवित्र नहीं मानते थे। वे हमेशा राधिका के बारे में बुरा बोलते थे और उनके खिलाफ प्रचार करते थे। कृष्ण को यह सब पता था। कृष्ण ने राधा रानी की पवित्रता को सिद्ध करने के लिए एक लीला रची। एक दिन श्री कृष्ण ने मृत्यु तक बीमार होने का नाटक किया। यशोदा ने दक्ष चिकित्सक और ब्राह्मणों को बुलाया, परंतु कोई सहायता न कर सका। अंत में योग पूर्णिमा मौके पर पहुंची। यशोदा मैया ने उससे सहायता मांगी तो उन्होंने कहा, अगर कोई पवित्र महिला इस मिट्टी के पानी के बर्तन में यमुना से पानी लाती है जिसमें सैकड़ों छेद हैं, और अगर मैं कृष्ण को मंत्र और उस पानी से स्नान कराऊं, तो कन्हैया स्वस्थ हो सकते हैं। यशोदा मैया ने यह काम जटिला और कुटिला को दिया, क्योंकि वो अपने आप को सबसे पवित्र महिलाएं मानती थी। वह दोनों साथ में यमुना नदी के किनारे जल को मटके में भरने के लिए गई, लेकिन उसमें पानी की एक बूंद भी नहीं भर पाई, और शर्म के मारे वे बर्तन को यमुना के तट पर छोड़कर दूसरे रास्ते से घर लौट आई ताकि किसी से ना मिले। योगमाया पूर्णिमा ने यशोदा मैया को सलाह दी कि वे श्रीमती राधिका को उस 100 छेद वाले बर्तन में पानी लाने का अनुरोध करें। बार बार अनुरोध करने पर श्रीमती राधिका आखिरकार यमुना में जाने के लिए तैयार हो गई। वह उस बर्तन में बिना एक बूंद गिराए सफलतापूर्वक पानी वापस ले आई। पूर्णमासी ने कृष्ण पर उस जल का छिड़काव किया और वे तुरंत स्वस्थ हो गए। इस अद्भुत घटना को देखकर सभी ब्रजवासी चकित रह गए और राधिका जी की पवित्रता की प्रशंसा हर जगह हुई। गांव-गांव में लोग राधिका रानी की महिमा गाने लगे और इस तरह राधिका रानी सबसे पवित्र महिला कहलाई गई और जटिला और कुटिला का घमंड का अंत हुआ। तो बोलिए श्रीमती राधिका रानी की जय। तो दोस्तों, राधिका रानी की ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को, और अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। हरे कृष्णा।